पता है आपकी ज़िंदगी भी बहुत सारे अनफॉर्चुनेट मोड़ से गुजरी है, क्या आप एक बाप होना मिस करते हैं? हमेशा, कौन नहीं चाहेगा। मुझे एक भी इंसान बता दीजिए कि जो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को मिस ना करते हो। वो अलग बात है कि हाँ, सिचुएशंस क्या हैं, आपकी कंडीशंस क्या हैं, सामने से आप नहीं चाहते या सामने वाला नहीं करने देता, वो चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन जहाँ तक मिस करने का सवाल है, अपने ब्लड को तो कोई नहीं छोड़ सकता। इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट? ऑब्वियसली यार, क्योंकि आप कितनी सारी यहाँ फैमिली बैठी हैं, आप बताइए, आप अपने बच्चे अपनी फैमिली को कौन मिस नहीं करता है या कौन मिस करना नहीं चाहता होगा। शायद ही एक आध बद नसीब ऐसा होगा जो शायद याद ना करे। तो आप बात करते हैं अपनी बिटिया से? बीच बीच में होती है बात, अब जितना पॉसिबल होता है, जितना करने देती है वो उतना हो जाता है, अदरवाइज मिलने तो आज तक नहीं दिया। अपनी बेटी से कुछ कहना चाहे एक बाप तो क्या कहेगा? बस यार, मैं एक ही चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसकी लाइफ अच्छी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसका एजुकेशन अच्छा जाए। मैं डजंट मैटर कि हाँ हमारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस उस पर लोड नहीं आना चाहिए। मैं एक ही चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ, उसका हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसकी लाइफ बहुत अच्छी जाए। आपको ये लगता है शबी भाई कि मर्दों को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों की कस्टोडियन के तौर पर हमेशा माँ को पहला दर्जा मिलता है, और एक माँ होने के नाते मेरे ख्याल से मैं इसको बहुत आसानी से पूछ सकती हूँ, लेकिन एक बाप जो है उसे ज़्यादा इस परेशानी से गुजरना पड़ता है। देखिए, ये लॉ है हमारे यहाँ का कि लेडीज़ को ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, तरजीह, हाँ वो दिया जाता है। तो कहीं पे वो लोग सही भी होते हैं, कहीं पे तो बहुत मिसयूज़ भी होता है इस चीज़ का। आपने देखा है कि लड़कों को तो पता नहीं कौन सा ही ऐसा होता है कि हमने गुनाह कर लिया है लड़कियों के पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने अगर ओपन रखा है लेडीज़ के लिए, तो आप लड़कों को भी दीजिए या फिर इक्वल दीजिए, जो गलत है उसको सजा दे दीजिए, बात ख़त्म है।